लोग एक बार इधर देखिए क्या नजारा है, क्या अरेंजमेंट किया गया है पूरा। हर हर महादेव। आज बजे 40 मिनट पर गाड़ी आई है हमारी अभयपुर में। तो क्या हाल चाल है आप लोग भाई, आप लोग दोस्त, फिर से एक न्यू वीडियो से आ चुके हैं। आज का वीडियो होने वाला है कुछ अलग स्पेशल, हर हर महादेव। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत, आप लोग देख रहे हैं पुनीत के ब्लॉग, करते हैं वीडियो कंटिन्यू बिना देर किए हुए। हमारी यात्रा जो होने वाली है पटना से सुल्तानगंज तक ट्रेन से, तो आप लोग दिखाने वाला है कि लोग सुल्तानगंज कैसे जाते हैं ट्रेन से, और उसमें हम लोग यात्रा करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र मेल में। चलिए करते हैं इस यात्रा को स्टार्ट। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का इस यात्रा को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को, आज मंगलवार है तो आप लोग को दर्शन कराएंगे पटना का महावीर मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। ये बिहार का महावीर मंदिर पटना में स्थित है, जब जस्ट स्टेशन के बाहर ही है। तो चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग को दर्शन कराते हैं और उसके बाद चलते हैं। ट्रेन आएगी हम लोग को प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पटना के, और गाड़ी अभी आने में करीब 45 मिनट देरी है। तो थोड़ा सोचे कि दर्शन भी कर लेते, आज मंगलवार भी है और टाइम भी था। तो चलिए पहले दर्शन आप लोग को भी कराते हैं। हमने पटना जंक्शन और सब जस्ट सामने महावीर मंदिर के बगल में मेट्रो बन रहा है, और जस्ट लगभग 50% कम्प्लीट हो गया है लग रहा है, और सामने से उधर से होगा और यहाँ से एंट्री होगा, और पूरा बन गया रेडी होने के बाद बस 1 से 2 साल में पूरा फाइनल हो जाएगा। पूरा काम लगा है जोर तोड़ से। पटना जंक्शन के गर्मी, पटना के धूप, और भाई साहब खाली पैर चल रहे हैं, पूरा लग रहा है कि पैर एकदम जल के आ जाएगा हाथ में, ऐसा एकदम पूरा पूरा जल रहा है एकदम, जैसे एकदम लगता है ना कोई चीज़ पक रहा है, वैसा एकदम पैर जल रहा है। और जल्दी जल्दी भागते हैं प्लेटफॉर्म पर, अभी गाड़ी कोइलवर आ रही है करीब, और चलते हैं गाड़ी का इंतजार करते हैं। जितने भी बम हैं उसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं जाने के लिए सुल्तानगंज। चलाए थे भुंजिया और अचार और पूड़ी, एकदम नमकीन पूड़ी छनवा कर। ये हमारे मित्र है जो कि बहुत ही फेमस मित्र है, बहुत पूरा लंगोटिया मित्र है, हाँ बहुत मन लगाते हैं। और ये भी लाए हैं घर से पूरी रोटी वोटी लाए हैं एकदम घी लगा कर, और भुंजिया भुंजिया ये भी मित्र हैं जो कि लाए हैं अपने बीवी से बनवा के पराठा एकदम भुंजिया। गाड़ी संख्या 15657 पुरानी दिल्ली से कमखिया के बीच में चलने वाले ब्रह्मपुत्र मेल आ रही है प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। गाड़ी ऑन टाइम अपने समय से एकदम है, और हम लोग यात्रा करने वाला है कांवर यात्रा, जो कि आप लोग इससे पहले वीडियो मिलेगा उसका या इससे बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप लोग फुल डिटेल के साथ ये वीडियो होने वाला है, आप फुल एंजॉय करेंगे, फुल आनंदमय होगा। जाएंगे जल ढारेंगे बाबा के पास, फुल आप लोग को जानकारी देंगे, और गाड़ी हम यहाँ से भी देते हैं जानकारी, जो पटना से बिहार से लोग कैसे जाते हैं, कहाँ जाना है, कैसे कैसे उतरना है, क्या 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 चीज़ है, रहने का चीज़ सब चीज़ आप लोग को दिखाने वाले हैं। पैर जो है ना, पैर का तो अभी हालत ख़राब हो गया, आगे जा क्या होगा, इसलिए कि पूरा जितना पक्का है जो फर्श पूरे गर्म है, और एक नंबर से दो नंबर से एक नंबर आप भाई लोकेशन दिखा रहा है, अभी भी 1 नंबर गाड़ी आके लगी है 2 नंबर पर, ये कोई मतलब हुआ करेक्ट लोकेशन दिखाइए और अनाउंस भी कीजिए कि गाड़ी 2 नंबर पर आ रही है, पता नहीं क्या होता है भाई साहब। चलते हैं बस जर्नी करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं पूरा फाड़ू जर्नी होने वाला है। देखो ट्रेन खुलने के बाद ये हाल पूरा सभी लोग को, आइए भाई आइए 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 चल भाई पीछे जा, तार भागलपुर कब से छूट ले बा। 2:32 पर निकली है पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से, और गाड़ी यहाँ से खुलने के बाद एक ही बार लगेगी पटना शायद, और गाड़ी दिल्ली से अभी पटना जंक्शन तक 994 किलोमीटर दूरी तय की है, और पूरा अभी बम से पूरा भरा हुआ है, गाड़ी मस्त निकल रही है। बोल बम ए बम बोल बम, इतना अराइवल हो रही है। ये देखिए बकरी, किसी का बकरी कट उठ जाएगी तो कहेंगे कट ही गया। रेलवे का दोस्त है लोगों का दोस्त, क्योंकि सभी लोग आ रहे हैं अभी दर्शन करके, अभी आगे जाते हैं ट्रेन में और ज़्यादा बमों का भीड़ मिलेगा। जनरल स्किप पर रही हमारी गाड़ी ब्रह्मपुत्र मेल, भाई साहब कांवर यात्रा में क्या ओवरटेक स्किप है, एकदम लग रहा है खाली है स्टेशन। Thank you.
बोल बम है काहे बम देखिए बम जलत है जलत है देख के जलत है ये बम पीछे खाली बा बम पूरा पीछे खाली बा पीछे 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 आगे देखिए बमों का भीड़ देखिए भाई साहब डाक बम हाँ जी 5:40 पर गाड़ी आई है हमारी अभयपुर में और इससे पहले जितना भी स्टेशन आया मोकामा क्यूल हम सो गए थे थोड़ा सा रात में जागे हुए थे तो नींद आ रहा था सो गए अब यहाँ से अभयपुर अभयपुर से जमालपुर जमालपुर से अपना सुल्तानगंज पूरा जर्नी मस्त चला पूरा बम से ही पूरा पैक है ये पूरा पैक है बम से गाड़ी हमारी अभयपुर से निकल रही है और यहाँ से खोलने के बाद जमालपुर के गई जमालपुर से एक बार अपना सुल्तानगंज पूरा एसी कोच है लेकिन भरा हुआ है लेकिन तब पर भी ठीक ठाक भीड़ भाड़ा है और पूरा एसी कोच में इधर सभी लोग भाई लोग भाई मजा आ रहा है ना मजा बिल्कुल मजा आ रहा है अच्छे से जा रहा है उसे भगवान शंकर भगवान की कृपा है बाबा बहुत भले कृपा है सब हमारे मित्र हैं बाबा के जा रहे हैं बाबा के गाना सुनते हुए जा रहे हैं एकदम मगन में अरे उतरेंगे यहाँ से लोको पायलट चेंज होंगे देख लीजिए आगे लोको पायलट जा रहे हैं अब यहाँ से लोको पायलट चेंज होंगे जमालपुर में भैया जी महाराज हमारी गाड़ी आ चुकी है जमालपुर के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर गाड़ी संख्या 15,657 कुल दूरी तय कर चुकी है 1,163 किलोमीटर गाड़ी आ चुकी है अपने समय से 8 मिनट पहले ही और गाड़ी के यहाँ पर 5 मिनट का ऑफिशियल स्टॉपेज है और गाड़ी यहाँ से खुलने के बाद रुकेगी सुल्तानगंज अपना डिस्टिनेशन और गाड़ी चल जाएगी उसी के रास्ते चल जाएगी कमखिया यहाँ से लोको पायलट जो है वहाँ चेंज हुआ है यहाँ से जमालपुर में चलिए मिलते हैं आप लोग से एक ही बार सुल्तानगंज में और तो हर हर महादेव लोगों का कतार देखिए भाई साहब भीड़ देखिए सुल्तानगंज स्टेशन पर यही कलर कपड़े नजर आ जाए कृपया भक्त जन लाइन ना लगाएं चलते रहें हर हर महादेव हमारी गाड़ी आ चुकी है भैया महाराज सुल्तानगंज में कंवरियों का एकदम कहना नहीं है कंवरिया से पूरा एकदम जंक्शन स्टेशन पूरा कच का भरा हुआ है और चलते हैं बाहर क्या बम जी ठीक है बम जी लेंगे दिखाते हैं लोगों का भीड़ बम जी देखिए पूरा लोग कितना उतर रहे हैं इस ट्रेन से और देखिए इधर पूरा बम जी से भरा हुआ है पूरा स्टेशन और इधर पूरा बॉम्बे जी पूरा भरा हुआ है चलते हैं मार्केट की ओर आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर मार्केट में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था किया गया है कंवरिया लोगों के लिए बाहर में पूरे कंवरिया भरे हुए हैं पूरा यहाँ पर डिस्प्ले लगाया गया है जो कि ट्रेन को शो कर रहा है कौन ट्रेन आ रही है कौन ट्रेन जा रही है हाँ जी तो अभी अपना कांवर बनवा लिए हैं 200 से 250 रुपये करीब बीच में पड़ा है और कांवर तो मस्त है पूरा और मिनिमम ठीक ठाक बनवाए हैं और चलते हैं गंगा की ओर घाट की ओर और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पर फैसिलिटी क्या है कैसा है तो चलिए बने रहे वीडियो में और कल सुबह चल उठाएंगे कोशिश करेंगे सुबह उठाएं ना तो अभी तो रात हो गया है रात को अभी खाना पीना खाएंगे रेस्ट करेंगे और पूरा मार्केट दिखाते हैं आप लोगों को पूरा मार्केट देखिए पूरा बम जी से पूरा मार्केट भरा हुआ है अभी हम दुकान से लिए हैं बाहर से जो काम और वहाँ पर भी बोल रहा है कि हमको रोज़ का 2,000 रुपया देना पड़ता है बाजार ही तो समझिए इन लोगों का दुकान है सब अपना मोल भाव करके यहाँ पर आइए तो लीजिए कुछ भी सामान जो भी सामान लेना है आपको मोल भाव करके लेना है आपको ऐसे नहीं लेना है नहीं तो आप पूरा ठगे जाइएगा पूरा बिका जाइएगा ऐसा लीजिएगा तो ये है स्कूल और यहाँ पर बनाया गया है केंद्र बनाया गया है ठहरने के लिए चलते हैं अंदर आप लोग को यहाँ का व्यवस्था दिखाते हैं पूरा यहाँ पर दुकान मिल जाएगा यहाँ पर भी और माता लोग भाई लोग जितने भी हैं सभी लोग यहाँ पर अपना रेस्ट कर रहे हैं आराम कर रहे हैं ये स्कूल है स्कूल के अंदर ही पूरा बनाया गया है पूरा दुकान अंदर भी मिल जाएगा आप लोगों को अब की बार थोड़ा सा छोटा जगह में बनाया गया स्पेस थोड़ा कम है लेकिन इससे पहले वाला में स्पेस बहुत अच्छा सा बड़ा सा लिया गया था
पूरा पैक है। चलते हैं कहीं और देखते हैं, रुकते हैं और देखते हैं कहाँ रेस्ट करने का जगह मिलता है। आप लोग हर जगह पॉइंट मिल जाएगा, चार्जिंग पॉइंट है। लोग एक बार इधर देखिए क्या नज़ारा है, क्या अरेंजमेंट किया गया है, पूरा कंवरिया पथ पर क्या मस्त बनाया गया है। ये गंगा घाट जा रहे हैं हम लोग, अभी बस कुछ 100 मीटर के अंदर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर घाट है उत्तर वाहिनी गंगा। यहाँ से लोग जल उठाते हैं। यहाँ पर मंच बनाया गया है, लाइटिंग देखिए क्या मस्त लाइटिंग साउंड, और यहाँ पर पूरा स्क्रीन लगाया गया है जो सीसीटीवी कैमरा सबको दिखा जा रहा है। नमनमी गंगे घाट, उत्तर वाहिनी गंगा घाट है, और देखिए पूरा यहाँ पर लोगों के लिए और पूरे कंवरिया इधर भरे हुए हैं। चलिए आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा होगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। पटना से सुल्तानगंज पूरा का घाट तक दिखाएगा आप लोगों को। चलिए वीडियो करते हैं पिंड, हर हर महादेव के साथ में।